आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, पेट्रोल डीजल के दाम, मौसम अलर्ट, मुख्यमंत्री की नई घोषणा, एक रुपए में मिलेगा पानी का कनेक्शन, यूजीसी ने नेट समेत कई अन्य परीक्षाओं के करेक्शन की डेट बढ़ाई, स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,161 मामले हो गए हैं, वहीं 42 लोगों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से कोरोना के कुल आंकड़े। 3,161 स्वस्थ, 2,629 एक्टिव, 557 मौतें, 42। वहीं जिलों की बात करें तो देहरादून में 758, नैनीताल 541, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 324, उधम सिंह नगर 330, पौड़ी गढ़वाल 147, अल्मोड़ा 196, बागेश्वर 93, चमोली 76, पिथौरागढ़ 67, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 84, चंपावत 59। देवभूमि में बरसे बदरा, प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अंदेशा, अलर्ट। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। सूबे में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश से बहुत बारिश होने का अंदेशा जताया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 41.60 रुपये, वहीं आज के दाम है 41.40 रुपये। डीजल की बात करें तो डीजल के कल दाम थे 72.83 रुपये, वहीं आज के दाम है 72.59 रुपये। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80.97 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.03 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 72.16 रुपये, वहीं आज के दाम है 72.23 रुपये। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 81.09 रुपये, वहीं आज के दाम भी यही हैं। डीजल की बात करें तो डीजल के कल के दाम थे 72.31 रुपये, वह आज के दाम है 72.57 रुपये। फेल छात्रों के लिए प्रवेश तिथि बढ़ाई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने स्ट्रीम 2 में प्रवेश लेने के लिए तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गए हैं, वे विकल्प के तौर पर NIOS की स्ट्रीम 2 का सदुपयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैलियों का दौर जारी, आज ये नेता करेंगे रैली। आज प्रदेश में भाजपा के 3 बड़े नेता वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। 12 बजे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक रामनगर विधानसभा की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने अली खान और काली बस्ती को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। काशीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन की टीम ने देर शाम अली खान काली बस्ती चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। हालांकि न्यू आवास विकास तथा पुराना आवास विकास के कुछ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी चल रही है। 15 जुलाई से फिर से खुलेंगे 84 कुटिया के गेट। लॉकडाउन के बाद से बंद 84 कुटिया 15 जुलाई से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खुल जाएगी। 84 कुटिया को कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के दौरान पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। ताऊ ने 2 साल के मासूम को पटका मौत। ट्रॉफी दिलाने की जिद कर ताऊ ने 2 साल के मासूम भतीजे को घर की दहलीज पर पटक दिया। गंभीर हालत में मासूम को रुद्रपुर में भर्ती कराया गया। 3 दिन तक इलाज के बाद उसे बरेली राम मूर्ति रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूर्व में दी गई तहरीर पर आरोपी ताऊ पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था, जिसे हत्या में तरमीम किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। नया टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए मिल रहे हैं मैसेज। भारत सरकार की ओर से हाल में ही देश में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने से चीन को झटका लगा है। इस बीच भारत में चीन समर्थित टिकटॉक प्रो ऐप डाउनलोड करने के लिए फिशिंग ईमेल एवं मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। चीन के हितैषी स्कैमर्स उपभोक्ताओं को नया टिकटॉक ऐप डाउनलोड करने का झांसा देकर दावा कर रहे हैं कि अब भारत में टिकटॉक का नया वर्जन है। इससे जुड़े फिशिंग ईमेल को लेकर कई स्मार्टफोन यूजर्स संबंधित विभाग एवं साइबर पुलिस में शिकायत दे चुके हैं। गैजेट्स नाउ नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार स्कैमर्स व्हाट्सएप एवं MMS के जरिए भोले भाले स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर दावा कर रहे हैं कि टिकटॉक अब भारत में टिकटॉक प्रो के नाम से उपलब्ध है। लिंक के साथ भेजे ऐसे ही मैसेज में लिखा गया है कि टिकटॉक वीडियो का आनंद ले और दोबारा वीडियो बनाए, टिकटॉक अब टिकटॉक प्रो के नाम से उपलब्ध है। कांवड़ियों को रोकने के लिए दोनों राज्य करेंगे चेकिंग। सोमवार को लक्सर के अलावा पुरकाजी और मंडावर के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा को लेकर लक्सर में बॉर्डर बैठक की।
बैठक में सीमा पर दोनों तरफ 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के साथ ही हर गाड़ी रोककर अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद ही आगे भेजने की बात तय हुई। रुद्रप्रयाग ने कोरोना की जंग जीती, सभी मरीज स्वस्थ। कोरोना वायरस से संक्रमित सभी 66 मरीजों के स्वस्थ हो जाने से जिला फिलहाल कोरोना मुक्त हो गया है। इससे पहले टिहरी जिले को भी कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। तोता घाटी में भारी वाहन न चलाएं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी में राजमार्ग के चौड़ीकरण कटिंग से मार्ग संकरा होने के चलते दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए एनएच लोनीवी ने 45 दिनों के लिए देवप्रयाग से कौडियाला तक भारी वाहन की आवाजाही बंद रखने का अनुरोध किया है। साथ ही भूस्खलन को देखते हुए छोटे वाहनों का आवागमन भी रात 8 से सुबह 5 बजे तक बंद रखने का अनुरोध किया है। जनरल ओबीसी कर्मचारी रोस्टर के खिलाफ उतरे। सीधी भर्ती के रोस्टर में पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय करने का विरोध करते हुए जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजे। ज्ञापन के माध्यम से जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सितंबर 2019 के रोस्टर को बहाल करने की मांग की है। बैकलॉग के पदों पर भर्ती में देरी न करे सरकार। बैकलॉग के पदों में भर्ती को लेकर SC ST कर्मचारियों ने भी दबाव तेज कर दिया है। SC ST से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने साफ किया है कि बैकलॉग के पदों पर भर्ती को विभागों को तत्काल विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए जाएं। सीधी भर्ती हुई तो कहां जाएंगे उपनल वाले। उत्तराखंड ऊर्जा संविदा संयुक्त मोर्चा ने ऊर्जा निगमों में सीधी भर्ती का विरोध किया है। मोर्चा ने सवाल उठाया है कि यदि सरकार सीधी भर्ती करेगी तो इन पदों पर काम कर रहे उपनल कर्मियों का क्या होगा। मोर्चा की सोमवार को ऑनलाइन हुई बैठक में अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा है कि राज्य में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सरकार बिजली निगमों में सीधी भर्ती कर हजारों उपनल कर्मियों को बेरोजगार करने जा रही है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। UGC नेट सहित 6 परीक्षाओं के केंद्र बदलने का छात्रों को मौका। NTA की ओर से आयोजित UGC नेट सहित 6 प्रवेश परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म में अभ्यर्थी 15 जुलाई तक भूल सुधार और परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। कोरोना संकट को ध्यान में रखकर अभ्यर्थियों की सुविधा को यह अवसर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की इन परीक्षाओं में UGC नेट, UGC CSI नेट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि की PhD और MBA, जवाहरलाल नेहरू प्रवेश परीक्षा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एवं ऑल इंडिया आयुष PG प्रवेश परीक्षा शामिल है। परीक्षाओं के एडमिट कार्ड के लिए NTA की ओर से वेबसाइट www.nta.ac.in पर अलग से सूचना जारी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के गांव में 1 रुपए में मिलेगा पानी का कनेक्शन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। सोमवार को क्लेमेंट टाउन के चंद्रबदनी खालसा में वन विभाग की ओर से आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी 2,350 रुपए में पानी का कनेक्शन मिलता है, लेकिन अब 1 रुपए में नया कनेक्शन मिलेगा। आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। चाइनीज चकाचौंध पर भारी स्वदेशी। चीन ने बेशक देश के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक बाजार में कब्जा जमाया हो, मगर भाई बहन के प्रेम से जुड़ा त्यौहार रक्षाबंधन पर बनने वाली राखियों के मामले में वह पहाड़ के कारोबारियों व ग्राहकों को बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं कर सका है। चाइनीज लाइट वाली घड़ियां या टेडी बियर राखियां कीमती हैं पर नाजुक भी। वहीं भारतीय पारंपरिक सूत के धागे, उसमें करीने से जड़े हुए नग व मोती अथवा सोने की चांदी के तारों वाली राखियों का अलग ही महत्व है। टिकाऊ व परंपराओं में सूत जुड़ा होने के कारण चाइनीज बाजार ज्यादा हावी नहीं हो पाता। चाइनीज मशीनों के बजाय हमारे हस्तनिर्मित राखियों का कोई सानी नहीं, मगर इस बार कोरोना फिर गलवान प्रकरण से उपजे हालात ने चाइनीज राखियों की डिमांड रोक दी है। मां की गोद से मासूम को उठा ले गया गुलदार। डुंगरी उडल गांव में सोमवार देर शाम गुलदार 2.5 साल के मासूम को मां की गोद से उठाकर ले गया। घर से करीब 300 मीटर दूर जंगल में मासूम का शव बरामद हुआ। बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। DBT से इस बार पैसा नहीं पुस्तकें दी जाएंगी। कोरोना संकट काल में प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों के लिए धनराशि नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देश पर महकमे ने इस संबंध में कसरत तेज कर दी है। वहीं केदारनाथ धाम की ध्यान गुफा बंद की गई। बारिश और सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ की ध्यान गुफा को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह वही गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी ध्यान किया था। गुफा में साधना के लिए इस यात्रा काल में गढ़वाल मंडल विकास निगम को केवल एक ही बुकिंग मिल सकी। चीन ने गलवान से पांव पीछे हटाए।
चीन की सेना ने सोमवार को गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के अन्य इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच दो महीने से जारी तनाव में कमी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। दून में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तैयारी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की कवायद तेज हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने एफेरेसिस मशीन का ऑर्डर कर दिया है। ट्रायल के तौर पर यहां प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उत्तराखंड में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।